नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। आज हम आपको लेकर आए उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में। अभी हम पहुंच चुके हैं गौरी शंकर मंदिर के पास। गौरी शंकर के मंदिर के बाहर ही आपको कुछ अच्छी दुकानें देखने को मिलेंगी। अब देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर भीड़ भी है और मंदिर के चारों तरफ आपको दुकानें देखने को मिलेंगी। चलिए हम आपको अब लेके चलते हैं मंदिर के पास। और सामने एक आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत माहौल है यहाँ का। हमने यहीं के बगल से दुकान से प्रसाद ले लिया है। अब हम लोग चलेंगे मंदिर के अंदर दर्शन करने। चलिए हम आपको मंदिर के पास ले चलते हैं। देखिए कितना शानदार नज़ारा है। सभी लोग शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं। सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है यही है वो मंदिर। इसमें जो शिवलिंग स्थापित है वो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जिसका स्वरूप बहुत ही भव्य है। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। यहीं से हम मंदिर के अंदर इंटर करेंगे। अब देख सकते हैं मंदिर के बाहर ही घंटे लगे हुए हैं। चलिए हम आपको अब मंदिर के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं इस मंदिर का दिव्य स्वरूप। अब देख पा रहे होंगे कि ये मंदिर कितना दिव्य है। इस मंदिर की यह मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्तगण अपनी श्रद्धा भाव भक्ति से आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि कितना भीड़ है यहाँ इस मंदिर के अंदर। सभी लोग जल चढ़ा रहे हैं। देखिए मंदिर के परिसर में घंटे भी बंधे हुए हैं। कुछ अंधेरा होने के कारण शिवलिंग अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर सभी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यह बहुत ही प्राचीन और दिव्य मंदिर है। इसकी मान्यता बहुत ही है। ये जो हमें रोशनी जहाँ से दिखाई दे रही है वहीं पर है शिवलिंग। लोग वहाँ पर दीप जलाकर भोलेनाथ जी का आरती भी कर रहे हैं और उनका जलाभिषेक भी कर रहे हैं। देखिए अब मंदिर का परिसर पूरी तरह एकदम धूप और अगरबत्ती के धुएं से भरा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि मंदिर में सभी लोग जल चढ़ाने के लिए आतुर हैं। ये हम आपको मंदिर के बाहर ले चलते हैं। यहाँ पे अगरबत्ती जलाया जाता है। मंदिर के बगल में ही एक प्राचीन बरगद का पेड़ है। लोगों का मानता है कि यह बरगद का पेड़ 300 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पर भोलेनाथ जी का टीका भी लगाया जाता है। चलिए हम भी अब वो टीका लगवा लेते हैं। अब हमने टीका लगवा लिया है। अब चलेंगे इस मंदिर की परिक्रमा करने। अब देख पा रहे होंगे कि बरगद का पेड़ कितना प्राचीन और दिव्य है। मंदिर के बगल में ही एक और मंदिर है, यहाँ पे भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर का भाग छोटा ही है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है।
यह मंदिर श्रद्धालुओं से पूरी तरह भरा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि इस मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ भी है। यहाँ पर चारों तरफ आपको भक्तगण दिखाई देंगे। देखिए यह मंदिर, मंदिर के साइड में एक और छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर में हमेशा भीड़ रहती है, भक्त लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यहाँ के क्षेत्रीय लोग यहाँ पर हमेशा प्रतिदिन आते रहते हैं। अब हमने इस मंदिर में दर्शन कर लिया है, अब हम चलेंगे वापस। देखिए यह मंदिर का गेट, इसी में हम आए थे, वही सब वापस जाएंगे। मंदिर के बाहर आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। अब देख पा रहे होंगे कि मंदिर के बाहर ही बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दुकानें हैं यहाँ पर। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लोकेशन पर। सब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।